DTDC आज के समय में भारत में कोरियर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा भाग बन चुका है, जिसके पास 1550 से अधिक GPS लेस ट्रक्स हैं। मतलब उन ट्रक्स में GPS लगा हुआ है और पता चलता रहता है कि आपका कोरियर कहां तक पहुंचा है। इसी के साथ में 11400 प्लस पिन कोड्स पर ये आज के समय में डिलीवर कर रहा है। पूरे दुनिया में बात करें तो 220 कंट्रीज में ये अवेलेबल है आज के समय में, अगर आप DTDC की सर्विस लेना चाहते हैं। 1990 में स्टार्ट हुई ये एक ऐसी कंपनी है जो आज इंडिया की एक बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो इस कंपनी के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये आता है कि इसके साथ आप बिजनेस बहुत ही कम जगह में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कितने जगह की रिक्वायरमेंट है, इससे आप कितनी अर्निंग कर पाएंगे और इसे आप कहां पर स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ये वीडियो टोटल 5 भागों में डिवाइडेड है, तो इन 5 भागों को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप DTDC के साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके फ्रेंचाइजी के लिए अगर हम बात करें तो इसे सिटी वाइज 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में आपके मेट्रो सिटीज आते हैं, आपका दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, आपका लखनऊ हो गया, कलकत्ता हो गया, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं वो आते हैं। नंबर 2 में नॉर्मल सिटीज़ इंडिया के जितने हैं वो आते हैं एंड नंबर 3 में जो देहात का एरिया पड़ जाता है वो आता है। अब इन तीनों के हिसाब से अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो तीनों का यहाँ पर हिसाब अलग अलग आपका पड़ने वाला है। अब जैसे अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसे रन करने के लिए और वहाँ पर आपको कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आपका करना पड़ेगा वो 1.5 लाख रुपये होगा। इसी के साथ में अगर हम किसी नॉर्मल सिटी की बात कर लें, छोटा सिटी, नॉर्मल सिटी जहाँ पर एक ज़िला तो है मगर मेट्रो वहाँ मौजूद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, उसे बोला जाएगा सेमी अर्बन एरिया। अब उस एरिया के अंदर क्या होगा कि आपको 3 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी और 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहीं अगर हम बात कर लें किसी लोकल एरिया की, आपके आसपास का जो देहात का एरिया होगा वहाँ पर आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसे रन करने के लिए एंड 50,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अब नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पर क्या आता है कि हमारा जो शॉप होगा वो कहाँ होगा और कैसा होगा। तो शॉप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शॉप आपका सिर्फ इतना मांगता है DTDC आपसे कि शॉप जो होगा वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, मतलब कि सड़क पे होना चाहिए, वो ऊपर ना हो, वो बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पर अगर आपकी शॉप मौजूद है कहीं पर भी तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो शॉप आप ही की हो। 10x10 का भी अगर एक शॉप है फिर भी चल जाएगा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी DTDC की, वरना अदर जो कंपनियाँ होती हैं वो बोलती हैं 100 स्क्वायर फीट चाहिए, 500 स्क्वायर फीट चाहिए, 400 स्क्वायर फीट चाहिए, तो वैसा कुछ भी सिस्टम यहाँ नहीं है। अगर आप DTDC के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल शॉप को आपको किराए पर लेना है एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपकी ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, वोटर कार्ड हो सकता है आपका, DL हो सकता है आपका, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पर। यहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास आपके बैंक का जो स्टेटमेंट है वो मौजूद होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अब अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी क्या हमारी कोई मदद करने वाली है? बिल्कुल करने वाली है। देखिए यहाँ पर कंपनी हमारी मदद भी करेगी और हम कितना कमा पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी हमारी मदद इस तरीके से करेगी कि भाई जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देगी। 15 दिनों के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। ये कंपनी ऐसी है, इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपको पहले महीने से ही अच्छा खासा काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी के साथ में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी आप डिलीवर करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि डिलीवर करनी होती हैं जितनी भी कुरियर्स आती हैं, उन कुरियर्स को डिलीवर करने का जितना भी पैसा बनता है, नेट अमाउंट बनता है आपके थ्रू, उसका 10% रॉयल्टी जो है वो कंपनी आपसे ले लेगी। एंड यहाँ पर कंपनी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इसलिए मांगती है ताकि कंपनी का जो इंटीरियर जिस तरीके से कंपनी बनाना चाहती है उस तरीके से इंटीरियर बना सके, कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट आपके एरिया में कर सके। तो आपका जो पैसा लिया जाता है वो इन्हीं सब चीज़ों में लगाया जाता है। कंपनी ये नहीं कहती है कि आपका जो पैसा है वो कर हमें दो।
पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इंडिया के जिस भी एरिया में रहते हैं, एरिया मीन्स ईस्ट एरिया में, नॉर्थ एरिया में, वेस्ट एरिया में या साउथ एरिया में, जो भी आपका एरिया पड़ता है इंडिया का, वहाँ से आप करने के लिए आपको अलग अलग ईमेल एड्रेसेस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम नॉर्थ की बात करें तो cm.northdtdc@gmail.com, साउथ की बात करें तो cm.southdtdc@gmail.com, वेस्ट की बात करें तो cm.west.dtdc@gmail.com। इस तरीके से इनके जीमेल्स पर आप इंडिया के जिस भी कोने से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपका जो भी एरिया पड़ता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ के कुछ डिटेल्स लिखकर या हेलो हाय लिखकर आप इनके ईमेल एड्रेस पर सेंड करेंगे, वहाँ से ये आपको रिप्लाई करेंगे और फिर आप इनसे बात करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप DTDC के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।